हेलो गाइस, मैं शिखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। ऐसा है कि मैंने बहुत दिनों से अभी तक वीडियो नहीं डाला, कुछ मंगलिक कार्य होने की वजह से, पर्सनल मंगलिक कार्य होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। परंतु अब मैं नियमित आपको वीडियो डालूँगा, बताऊँगा क्या कैसा होता है। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें लेके आया हूँ जो आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे भी कोई भी आईसी होती है, किस तरीके से काम करती है, शॉर्ट सर्किट कैसे पता लगाए कि ये शॉर्ट है कि नहीं, तो इसके लिए देखिए मैं कुछ सर्किट यहाँ पर रखे हुए हैं, बोर्ड हैं ये, कुछ आईसी भी रखी हुई हैं। तो इनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि कैसे सिस्टम में लगी हुई है या अपने जो भी आपका बोर्ड है उस पर लगी हुई है, और आपको चेक करना है कि आपकी पावर सप्लाई ठीक है कि नहीं, क्या गड़बड़ कर, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो इसको पता करने के लिए डायरेक्ट अपन इससे पता कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि आईसी के बारे में भी आप पता कर सकते हैं किस तरीके से ये काम करती है, यानी कहीं शॉर्ट तो नहीं है, ये आप पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ सर्किट दिए हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो ये देखिए, ये FM का है मॉड्यूल, इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस बना हुआ है शिम्बास। देखिए मैं मीटर आपको बताता हूँ, ये मेरा मीटर है, ये कंटिन्यूटी रेंज पे लगाया मैंने। सबसे पहले इस पर चेक करेंगे, देखिए ये कुछ नहीं बता रहे, ना बिसल दे रहा ना कुछ बता रहा है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट नहीं है। परंतु ये सही है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए डायोड की रेंज पे लगा के चेक करेंगे। तो देखिए ये डायोड की तरह बताएगा, देखिए ये अभी नहीं बता रहा है। अब देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ, अब ये कुछ रीडिंग देगा आपको, देखिए रीडिंग देने लगा। ये रीडिंग देने का मतलब ये है कि शॉर्ट नहीं है, ये ठीक है। जैसे कि ये है एक आईडियो आईसी है, ये CD6283। तो इसके बारे में पता करते हैं, इसकी जो 12 नंबर पिन है वो ग्राउंड पिन है, सप्लाई पिन है। तो 12 पिन सप्लाई है, देखिए ये सप्लाई पिन है, और 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन जो है इसकी ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड पे लगा रहा हूँ मैं, दूसरे इस पे लगा रहा हूँ 12 पे। देखिए ये अभी देखिए मल्टीमीटर नहीं बता रहा है, इसको अब चेंज करते हैं। प्लॉट चेंज की मैंने, चेंज की देखिए ये बताने लगा, इस तरीके से बताने लगा, ये सर्किट में लगे लगे बता रहा है। अब जैसे कि ये आईसी है, ये जो अपनी आईसी है 20-30 आईसी है, इसकी जो 5 नंबर पिन है वो सप्लाई पिन है। तो इसकी सप्लाई पिन कौन सी है, ये 1 नंबर पिन, 2 3 4 5, ये 5 नंबर सप्लाई पिन है, और 3 नंबर पिन इसकी जो है वो ग्राउंड है, 1 2 3। देखिए ये यहाँ पर लगाते हैं, हम इसको चेक करते हैं मीटर से, देखिए मीटर बता रहा है अभी रीडिंग दे रहा है, अभी सॉरी रीडिंग नहीं दे रहा है, रीड करता है उस समय पे देता है, देखिए अभी ये नहीं दे रहा। अब इसको पलट के लगाएंगे तो देखिए ये देने लगा, ये बताने लगा। जैसे कि ये सर्किट है, ये अपना LED का जो है बक सर्किट है, इसको देखते हैं अपन। इसकी इनपुट इपन ये है, ये और ये इनपुट है, देखिए यह अभी कंटिन्यूटी बता रहा है। इसको पलट के लगाएंगे, देखिए प्लॉट मैंने चेंज की, इसको फिर लगाया, ये नहीं बता रहा है। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये है, ये अपनी सप्लाई है, मॉड्यूल सप्लाई है, ये देखिए इसकी ये माइनस प्लस है, इसको लगा के चेक करते हैं। आप इस तरीके से कोई भी आईसी है चेक कर सकते हैं। देखिए अभी रीडिंग नहीं बता रहा है, ये रीडिंग बता लेने लगेगा, देखिए बताने लगा। इस तरीके से ये पावर सप्लाई ये भी बताएगी, परंतु इसमें एक चीज़ खास क्या रखना है, ध्यान रखने योग्य बात ये है कि इसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इसलिए ये कंटिन्यूटी तो बताएगा, कैपेसिटर के से बताएगा। यदि कैपेसिटर निकाल के आप नापेंगे तो ये डायोड की तरह ही ये भी कंटिन्यूटी बताएगा। जैसे कि ये है, ये अपना LED
इन्वर्टर सर्किट है। देखिए ये सप्लाई है, ये माइनस सप्लाई। देखिए अब नहीं बता रहा मीटर, अभी नहीं काम कर रहा, इसको बदल के लगाते हैं। मैं और बता देता हूँ जी, काम करने लगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ये तो आप शॉर्ट्स है कि नहीं ये पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज ओपन का भी पता लगा सकते हैं कि आईसी ओपन तो नहीं है। शॉर्ट और ओपन का आप पता लगा सकते हैं किस तरीके से शॉर्ट है कि नहीं है, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हर आईसी में दो तीन चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो इनपुट जो होता है, सप्लाई इनपुट होती है। एक ग्राउंड होता है, एक माइनस ग्राउंड होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस सप्लाई होती है। ठीक, उसके बाद एक ऑसिलेटर सेक्शन भी होता है, उसमें ऑसिलेट करता है, फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, इस चीज़ के लिए वो बनी हुई है, उस फ्रिक्वेंसी को ऑसिलेट करता है। और तीसरा होता है आउटपुट, किस चीज़ के लिए, यदि साउंड है तो साउंड आउटपुट आउट करेगा। जैसे कि ये आईसी है, ये कौन सी आईसी है, ये 2611 आईसी जो है, इसमें ये 2611 आईसी है जो, इसमें आउटपुट भी है और इनपुट भी है। तो इनपुट हर चीज़ में इनपुट भी होगा, आउटपुट होगा। इनपुट में क्या होगा, आईडियो इन करना पड़ेगी अपन को, यानी आरएफ सेक्शन जब इसको देंगे, जब ये काम करेगा। यदि आरएफ सेक्शन नहीं देंगे तब अपन इसके इनपुट पर अपन चेक करेंगे मीटर से, मल्टीमीटर से, चमिटी से चेक करेंगे, तो उसमें हमिंग की आवाज़ आएगी, तो समझ जाएंगे कि आईसी सही काम कर रही है, यानी आईडियो बना रही है, आरएफ नहीं बना रही। आरएफ के लिए अलग से सर्किट होगा, आरएफ सर्किट, उसमें आईसी लगी होगी, ट्रांजिस्टर लगी होगी, जो भी लगा होगा, इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें चीज़ और बताने की है, साउंड आउटपुट में जो भी आईसी लगती है, जितना उसका इनपुट होता है, सप्लाई इनपुट होती है, मान लो 12 वोल्ट की आईसी है, ये 12 वोल्ट इसको सप्लाई दी जाती है, तो इसका आउटपुट जो है उससे आधा होगा, यानी 6 वोल्ट आउट होंगे। और हमेशा आउट पर जो भी है वो 220 mfd कंडेंसर लगा होगा या 470 mfd कंडेंसर लगा होगा, उसके बाद आउट होगा, स्पीकर पे कनेक्शन दिए जाएंगे। और एक इनपुट होता है, मैंने जो आपको बताया, ये आउटपुट हो गया इनपुट, तो वहाँ पे आरएफ सिग्नल दिए जाएंगे जिससे कि वो काम करने लगे। तो इस तरीके से ये काम करता है, ये आ गया होगा समझ में। एक चीज़ और, आजकल जो एलईडी या एलसीडी में जो चिप लग के आ रहे हैं, वो अधिकांश है 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट पर ही काम करती हैं, या 1.5 वोल्ट पर काम करती हैं, इससे ज़्यादा वोल्ट पर काम नहीं करती। सिर्फ आइडियो आउटपुट पर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, बाकी सप्लाई कितने भी दे दो आप बाहर से, 24 वोल्ट भी दे सकते हो, 12 वोल्ट भी दे सकते हो, पर आईसी जो है अधिकांशतः वो 5 वोल्ट पर ही काम करती है। या बड़ी बड़ी जो आईसी लगी रहती हैं ऑसिलेटर सेक्शन में, या सीआरटी टीवी में जो क्रोमा सेक्शन होता है, या कोई भी सेक्शन होता है, उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई ज़्यादा अधिकांशता दी जाती है, और अलग अलग पिनों पे दी जा सकती है। इसके लिए आपको डाटा मालूम होना चाहिए, हर चीज़ का आपके पास डेटा होगा तभी पता लगा सकते हैं कि कौन सी पिन क्या काम करती है। नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। Through the